गुड मॉर्निंग क्लास 8, आज आप लोग 12D एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो 12D में आठवां सवाल हम शुरू करते हैं। लिखा है द डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर इज 1.8 मीटर एंड 2.8 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन रोलर है जो 1.8 मीटर डायामीटर में दिया गया है और 2.8 मीटर लॉन्ग मतलब हाइट है उसकी। हाउ मच एरिया, अगर कितनी एरिया कवर करेगा 25 रिवॉल्यूशन में, तो 25 चक्कर लगाने पर वह कितनी फील्ड को लेवलिंग कर लेगा, ये क्वेश्चन दिया गया। तो आप क्या करेंगे, पहले लिख दें डायामीटर ऑफ ए गार्डन रोलर इज इक्वल टू 1.8। अब लेंथ है, लेंथ को हम लोग हाइट रोलर की हाइट के बारे में जान सकते हैं 2.8 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया है हमारे पास, तो ऐसे जिसको हम कहते हैं एरिया का फार्मूला लगा दो 2πRH। अब देखो तुम्हारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर हमने उस दिन समझाया था कि टू और आर को जोड़ दोगे तो डायमीटर बन जाएगा, तो हमें आर निकालना ही पड़ेगा, तो हम डी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर चाहो तो हम फिर रेडियस करके करा लें, क्योंकि ऐसे लेंथ फिर हो जाएगा पहले जैसा। तो हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू लगा दो पहले 22/7 और टू और आर की वैल्यू हमारे पास 1.8, तो ये हमारा बन गया इंटू 2.8, ये हमारा आ गया मीटर। अब हम इसको काट देते हैं, देखो 0.4 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 44 × 7 × 14 × 7 × 14 = 15, तो 15.1 आ जाएगा 15.84 मीटर। ये चीज आ गई एक राउंड किया था। अब वो कहता है 25 रिवॉल्यूशन कवर करना है, तो कितनी वो फील करेगा, तो अब वन राउंड लिमिट सी इज इक्वल टू 15.84 मीटर। तो ऐसे ही 25 राउंड लेवलिंग, तो 15.84 × 25 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, हम कह देंगे 396 मीटर² आ जाएगा, ये हमारी मीटर स्क्वायर। तो ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसे ही 9th क्वेश्चन भी है, द डायमीटर ऑफ ए राउंड रोलर 90 सेंटीमीटर है, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इट इज टेक 400 रिवॉल्यूशन टू लेवल प्ले ग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 2.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो कितना रुपया लगा, चलो देखें। अब हम शॉर्ट लिख रहे हैं, जैसे डायमीटर
मीटर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, हाइट जो है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर बना देते हैं तो 210 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें एरिया निकालना है, सरफेस एरिया वही 2 पाई आर एच करके, तो 2 पाई की वैल्यू 190 दी गई है तो हम पाई की वैल्यू लगा दें 90 9 × 27 = 54 और 54 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 527 27 × 54 59420 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राउंड टोटल राउंड कितने लगाती है वो 400, तो डिस्टेंस टेंस का वर्ग इन 400 राउंड, ये तो वन राउंड की निकाल ली, अब 400 राउंड की निकाल लेते हैं। तो 5940 × 40 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है। तो अभी कॉस्ट मीटर में दी गई है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 × 16 4 × 36 37 4×5 = 20 20 × 3 = 30 30 = 76 है ना। तो अब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया मीटर में निकाल लेते हैं, एरिया इन मीटर स्क्वायर है तो 2376 / 1 मीटर स्क्वायर में 2 बजे होते हैं, 4 बुंदी से 4 बुंदी हमारे पास कट गई। अब कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वेवलेंथ में, 1 मीटर स्क्वायर वेवलेंथ में है 2.25 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वेवलेंथ 2376 × 2.25। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5345 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा है करके देख लो 2376 × 2.25 × 5 = 30 साथ में 30 ही जाएगा 53 40 का। कैसे देखने पर 6 मान लो इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना तो ये क्लियर आ जाएगी, ये चीज आएगी क्या आएगी देखना, मल्टीप्लाई टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे ही इनर डायमीटर ऑफ 15 मीटर डीप सर्कुलर वेल इज 4.2 मीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कराना है इनर सरफेस पर, तो बताओ कितना हमारा रेट 40 रुपए के हिसाब से खर्च होगा, तो ये करना है तो देखो कैसे करेंगे। कितनी है 4.2 मीटर। अब हमारे पास फाइंड द प्लास्टरिंग कराना है इनर कट सरफेस पर, 40 रुपए पर मीटर लगता है, तो एरिया निकाल लो वही फार्मूला 2πRH, तो 2πR का हमारे पास दिया डायमीटर तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 22/7 ×
15 × 4.2 meter, काटो 746 अब 22, 15 छिलके 90, 9 × 18, 19 meter square। अब 40 मीटर पर स्क्वायर जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ 1 meter square में कितने लगती है? अभी 40, तो कॉस्ट ऑफ 198 meter square में 198 × 40, तो 4 × 8 = 32, कैरी गली 3, 1976 में 3 जोड़ दिए 79 और 0, तो 7920 रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के आप सवाल कर लेंगे पूरे, फिर कल अगली देखेंगे।